अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेबल ट्रेट विद तहरीम। आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही यमी है, स्टीम चिकन रोस्ट। आए फ्रेंड्स, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टीम चिकन के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में एक कप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ज़र्दा रंग ऐड करेंगे जो कि इसको बहुत अच्छी लुक देगा। 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और सारे मिक्सर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन का मिक्सचर हमारा रेडी है। स्टीम चिकन के लिए यहाँ मैंने लेग पीसेस को थाई के साथ लिया है और उनको मैंने डीप कट लगा लिए हैं। अब हम सारा मैरिनेशन का मिक्सचर इनके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को। दोनों साइड से हम इसका मैरिनेशन का मिक्सचर इसके ऊपर लगाएंगे। चिकन को हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे स्टीम करने के लिए। यहाँ मैंने एक पैन में स्टीमर रखा है। स्टैंड को रखने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि स्टीमर को टच ना करे और इसके ऊपर हम सारे लेग पीसेस रख देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क देंगे, थोड़े से हम लेमन स्लाइसेस रखेंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे। मैरिनेशन का जो मिक्सचर हमारा बाकी बच गया था, इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। एक पैन में हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक कुक कर लेंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। आधे घंटे के बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चिकन हमारा हाफ कुक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो हमने मसाला जो कुक किया था वो सारा ऐड कर देंगे। अच्छे से सारे मसाले को हम स्प्रेड कर देंगे और इसको हम दोबारा से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 15 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड पे अच्छे से सारे मसाले को लगा देंगे। चिकन हमारा अच्छे से डन हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर चिकन रेडी हुआ है। स्टीम करने के बाद अब हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग के लिए यहाँ मैंने एक पैन में ब्रश के साथ ऑयल को स्प्रेड कर लिया है। ज़्यादा ऑयल हम स्प्रेड नहीं करेंगे, जस्ट हम पैन को ग्रीस करेंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन का पीस रख के दोनों साइड से हम इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। चिकन हमारा रेडी है सर्विंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, स्टीम चिकन रोस्ट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी और इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर चिकन रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं चिकन कितना सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।